तो भाई प्लीज किसी एजेंट के थ्रू मत फंसना, क्या फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो जाता है, बहुत खुशी होती है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? सॉरी यार, ये मेरे वाला कौन सा था? गुड मॉर्निंग। नहीं यार, एक्चुअली 2-3 दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन से आया नहीं, वीडियो नहीं बनाया, तो भूल गया कौन सा था, कैसा था, कैसा था, कैसा था। हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो दिल से पूछना चाहूँगा, कैसे हो आप सब? 2-3 दिन हो चुके हैं, आपसे इंटरेक्शन नहीं हुई, आपसे बात नहीं हुई मेरी यूट्यूब फैमिली से। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स में आए कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया था, कुछ प्लान किया था, मैंने सोचा था कि आप सबको एक गुड न्यूज़ दूंगा, एक सरप्राइज़ दूंगा, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया और वीडियो भी नहीं डाल पाया, मतलब अपना व्लॉग भी नहीं बना पाया और दोनों काम रह गए। सोचा था कि आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, आप बहुत खुश होंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली को, मतलब बहुत कुछ प्लान किया था, बट सब कुछ उल्टा हो गया। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपसे इसी बारे में बात करता हूँ, आपको बताता हूँ ये 2-3 दिन मेरे कहाँ गए, क्या रहा। और प्लीज़ आज सीरियसली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, 2-3 दिन में क्या हुआ अपनी फैमिली के साथ, या कैसे हो, मतलब आप हेल्थ वाइज कैसे हो, सब कुछ बताना। क्योंकि मैं मतलब हेल्पलेस फील कर रहा था, मेरे पास कोई चैट बॉक्स या कुछ ऐसा सेक्शन नहीं था जहाँ आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, बात कर सकूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले वही बताना कि कैसे हो, सब सबकी तबीयत कैसी है, सबकी लाइफ में कैसा चल रहा है, सबकी फैमिली में क्या है। ठीक है गाइस, अब आपको बताता हूँ आगे आगे कि मतलब ये 2-3 दिन मैंने क्या किया, क्या सरप्राइज प्लान किए थे और मेरे साथ क्या हुआ, उस पर ये वीडियो होगा। तो आज बातें करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो बस यही कि अपने बारे में बता देता हूँ, मैं ठीक हूँ। और शायद मतलब आपको पता होगा, शायद निधि ने किसी वीडियो में बताया कि मैं कहीं गया हुआ हूँ। एक्चुअली मैं उनको भी बता के नहीं आया था, मैं सबके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किए थे, मतलब सबके लिए सोचा था कि शायद कुछ एक होप मिली थी कि मतलब होपफुली क्या बताऊँ, मतलब मैं गुड़गांव में हूँ और 2-3 दिन व्लॉग नहीं डाला जस्ट बिकॉज कि उस टाइम मैं सोच रहा था कि कहीं और कंसंट्रेट करता हूँ और तैयारी कर रहा था। अभी भी दिखा देता हूँ, ये लैपटॉप रखा हुआ था, इस पे नोट्स वगैरह बना रहा था, सब कुछ प्रिपेयर कर रहा था, कुछ बहुत सारी वीडियोस देख रहा था कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं गुड़गांव आया था मतलब जॉब के सिलसिले से, मुझे एक्चुअली किसी का कॉल आया था और मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी ये। मैंने अपनी फैमिली को भी अभी शेयर नहीं करी थी, कुछ नहीं बताया था, बस उनको बोला था मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले हो गया था, मतलब मैंने बता के गया था कि जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बट फिर क्या होता है ना, फैमिली वाले बहुत एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं आपसे और सोचते हैं कि मे बी अब जॉब लग जाएगी इसकी तो अर्निंग होगा और फिर फैमिली में भी कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो इस बार बता के नहीं आया था और लगता है शायद सही किया कि नहीं बता के आया, क्योंकि मेरे साथ ना गाइस पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, एक प्रैंक सा हो गया। मतलब 2-3 दिन से मतलब अपना 100% दे रहा था हर चीज़ में, मतलब मेरे पास एक कॉल आता है कि आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैंने बोला यस, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए एक ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र आप करना चाहेंगे? मैं बोला ऑब्वियसली वाई नॉट। फिर मैंने उनसे थोड़ा कंपनी के ब्रीफली पूछा कि क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या ब्रांड है और क्या सब चीज़ें हैं, प्रोडक्शन में है, क्वालिटी में है, क्या है, किस चीज़ में है। तो उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। तो बस घर से निकल लिया था, ये बैग पैक करके, 2-3 फॉर्मल्स डाल के, अपना लैपटॉप उठा के, अपने नोट्स वगैरह भी हैं शायद, कहाँ हैं, नोट्स वगैरह भी बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो क्या होता है मेरे साथ, मतलब पहले तो बहुत खुशी होती है ये जान के कि हाँ शायद अब मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है पेंडेमिक में खाली बैठे हुए घर पे। और फिर बस वही सब सिलसिला चलता है, दोस्तों से पूछता हूँ कि यार क्या क्या प्रिपेयर करूँ, मतलब जैसे अगर बेवरेज इंडस्ट्री है जहाँ से मुझे आया था तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर एक्टिविटी वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो सब कुछ प्रिपेयर कर रहा, तैयारी कर रहा था, बट क्या होता है मेरे जो कॉल आया था, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को या वीडियो को लाइक करो, बस इतना बोलूँगा मतलब कि शेयर ज़रूर करना, मतलब कि शेयर के लिए मना नहीं करूँगा, शेयर करना, ताकि आपकी फैमिली में भी अगर कोई है जो जॉब सर्च कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, तो भाई प्लीज़ किसी एजेंट के थ्रू मत फंसना। क्या होता है कि बहुत इनोसेंट लोग होते हैं जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बातों में आ जाते हैं, मतलब मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। मैंने अपना रेज्यूमे मतलब अपना सीवी अपडेट किया, सीवी अपलोड किया,
तो मुझे 100% श्योरिटी मिल रही है किसी चीज़ की। हाँ कंफर्म है, वहाँ पे हम हायर कर रहे हैं और आप आ जाइए। मतलब आपके 2 राउंड होंगे, 3 राउंड, 3 राउंड होंगे। आप प्रिपेयर कर लीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। मतलब बहुत ही प्रोफेशनली डील करते हैं, तो मुझे भी लगा यार डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब प्रोफेशनल लोग लग रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉब ऑफर वगैरह होगा, सब कुछ होगा। मैं अभी ये 2-3 दिन से वहीं बिजी था, 2-3 दिन से अपने यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जिन्होंने नॉलेज वीडियोस बनाई हुई हैं कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होता है। तो नर्वस भी था अपना सब कुछ, बस ये निकाल के चल पड़ा था। दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल करता था बार बार कि हाँ भाई मुझे कुछ सिखा दो, क्या क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या पूछते हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है, जहाँ बात आती है नॉलेज की, नॉलेज मेरे पास थी। मेरा फर्स्ट राउंड जो उन्होंने मुझसे हैसअप पूछा और बहुत सारी चीज़ें, वाटर एक्टिविटी वगैरह, मैंने सबके जवाब दिए। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो जाता है, बहुत खुशी होती है। मतलब मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अब शायद फैमिली को भी पता चल जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि वो डिसअपॉइंटमेंट होगी उनको या क्या होगा, बट बताना ज़रूरी था कि हाँ हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से देख के फैमिली वाले भी समझ जाएँ कि हाँ भाई कोई ट्राई ज़रूर कर रहा है। बस क्या है, कभी कभी लक साथ नहीं देता, या कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, सरकमस्टेंसेस ऐसे हो बन जाते हैं। तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आपका 4 o'clock होगा नेक्स्ट डे, आपका सेकंड राउंड होगा। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डेफिनेटली मतलब उसके लिए भी प्रिपेयर करता हूँ अच्छे से। अगर फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है तो सेकंड राउंड भी कर लेंगे हम। तो क्या होता है, जहाँ मैं जाता हूँ कंपनी में, वहाँ पे सेकंड राउंड के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगते हैं लंच टाइम के बाद, उन्होंने बोला था। तो डेफिनेटली ठीक है, वो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो इंटरव्यू मतलब कंडक्ट होता है सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड भी होपफुली मेरा क्लियर हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, किसने किसने गड़बड़ करी, क्या किया। मतलब थर्ड राउंड जब वो मुझसे पूछ रहे थे कुछ चीज़ें कि मतलब आपकी फैमिली कहाँ रहती है, वो बेसिक सा इंटरव्यू था। मतलब वो नॉलेज के 2 राउंड हो चुके थे, जो मेरे अंदर नॉलेज थी वो देख चुके थे। उसके अलावा जो मेरे साथ चल रहा था वो मतलब मेरा पर्सनल बिहेवियर, मेरा नेचर, मतलब मैं मतलब अगर कंपनी में मुझे पॉलिटिक्स मिलती है उसे कैसे हैंडल करता हूँ, अपना टीम बिल्डअप कैसे करता हूँ, ये सब चीज़ों पे मेरा थर्ड राउंड था, वो सब चल रहा था। फिर क्या होता है, उनकी साइड से बड़ा पॉजिटिव सा आता है मुझसे, वो मतलब सैलरी वगैरह का एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं। और मैं क्या है, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है। जिस बंदे ने मुझे मतलब ये जॉब का रेफरेंस दिया था, तो मैं बताना चाहूँगा, मतलब वो बाद में मुझे पता चला वो एक फ्रॉड था, जिसने मुझे ये बोला था कि आपको ना जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है वो हाफ हमें पे करनी पड़ेगी, और बाकी की सैलरी है वो आपकी होगी, और उसके बाद आप रेगुलर हो सकते हो। उसने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली ये नहीं बोली गई चीज़ें कि आपसे बॉन्ड भरा जाएगा आपको। मतलब उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो कंपनी वालों की थी, इन्होंने आई डोंट नो ये कैसे monster.com पे, लिंक्डइन पे कहीं से देखते हैं कनेक्टिविटी के, हाँ ये स्टूडेंट है, ये जॉब ढूंढ रहा है फूड में, और वहाँ से देखते हैं कि जॉब यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं। तो सेम वही चीज़ हुई, उन्होंने वहाँ से बोल दिया। फिर मैंने उसके लिए भी एग्री किया, क्योंकि यार खाली बैठने से अच्छा है कि हाँ जॉब मिले, चाहे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट मंथ की सैलरी जाएगी तो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि हमें एडवांस में चाहिए, मतलब एडवांस में आप हमें पे करो फर्स्ट मंथ की हाफ सैलरी। तो मुझे मेरा थोड़ा सा माइंड वहाँ पे सनका, मतलब ये हुआ कि यार ऐसे क्यों। मैंने बोला कि जब आपके इतने अच्छे रिलेशन है कंपनी के साथ, तो आप उनसे बात कीजिए कि आप मतलब डायरेक्टली जो क्रेडिट होगी सैलरी, मुझे हाफ क्रेडिट कर दीजिएगा और हाफ जो है आप रख लीजिएगा। तो मुझे लगा कि कोई नहीं यार, ब्रोकर्स डीलर्स ये जो बीच में होते हैं, ठीक है मुझे जॉब मिल रही है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, और अगर इनका भी कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, मैं ये सेम चीज़ मैं कंपनी में पूछता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मेरी जब जिनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे सैलरी बताया था कि 22K पर मंथ। तो उन्होंने बोला कि आप किसके थ्रू आए हैं, कैसे आए हैं। तो मैंने उनका नाम बताया कि प्रदीप, प्रदीप करके कोई एजेंट था। तो उन्होंने बोला, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया कि बोले मतलब वो कंपनी रन कर रहे हैं क्या। तो मैंने बोला सर नहीं, बट मैं उनकी रेफरेंस लेके आया हूँ। मुझे लगा क्योंकि वो मतलब जैसे रेफरेंस दे रहे हैं, मे बी शायद आपसे आपके यहाँ वर्क करके आए होंगे, या जॉब उन्होंने पहले की हुई होगी। तो उन्होंने बोला कि हमारा उनके साथ कोई टाई अप नहीं है, अगर आप उनके थ्रू आए हैं तो डेफिनेटली मतलब वो आपका इस कंपनी से बाहर का मैटर है। जो हम हैं, उन्होंने मुझे 22K से, उन्होंने स्टार्टिंग मुझे 12K बताई, बोले आपको ज्वाइन करना है तो 12K,
प्लस मुझे उन्होंने बोला एटलीस्ट आपको 1 साल तक का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा हमारे साथ, और उसके बाद उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी रखी कि ना मतलब ठीक है वो तो चलो एक्सेप्टेबल थी कि ना चलो मैं फैमिली से दूर जाऊंगा। मैंने भी उनको ये अपना पर्टिकुलर सैलरी का बताया नहीं था कि मुझे कितना चाहिए, मैंने बस ये बोला था कि सर मुझे जो ऑफर आया था वो 22K के लिए आया था। तो उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जब मैं बाहर जाता हूँ वहाँ पे, मुझे लगा कि चलो स्टिल मैं एक बार करता हूँ, कोशिश करता हूँ फैमिली से या अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो मुझे पता चला कि जो वो बंदा था बीच में प्रदीप, वो जो एजेंट था, वो एक फ्रॉड था। और वो क्या करता था, मतलब ऐसे ही, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो प्लीज़ अवेयर रहना, NCR में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने ऑफिस खोल रखे हैं और क्या करते हैं स्टूडेंट से, फ्रेशर्स वगैरह से, उनको पता होता है इनको जॉब की नीड है और ये क्या करेंगे आपसे, मतलब स्टार्टिंग में आपसे पैसे ले लेंगे। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं बच गया हूँ ये स्कैम होने से, बच गया हूँ मैं। और वो मैं क्यों बचा हूँ, वो इसका एक रीज़न ये है, मैंने डायरेक्ट उससे बात करी, उस बंदे से मैंने बोला कि भाई तू मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा था कि 22K होगा ये वो। बोला कि सर ऐसा नहीं होता, वो स्टार्टिंग में ना आपको ऐड करके या कुछ मतलब वो कट करके, जो ये PF वगैरह कट करके, ये तब होता है आपका 22 ही होगा। मैंने बोला यार 22 में और 12 में कोई फ़र्क नहीं है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है? तो वो थोड़ा सा रूडली बिहेव करने लगा, बोला कि आपने जॉब के लिए हमें बोला था, हमने ये किया वो किया, अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ये वो सैलरी वैलरी ये वो। तो मैंने बोला कि यार अगर मैं जॉब ही नहीं कर रहा हूँ तो तुझे क्यों पे करूँगा। और उसके बाद शायद आपके पास वो चीज़ नहीं होगी जो मेरे पास है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है और जिसपे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी पूरी फैमिली है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। तो मैंने बस अपना चैनल दिखाया उसको, मैंने बोला कि भाई एक काम कर, तो ये बातें ना वीडियो में बोल दे, मैं तेरे को देता हूँ सैलरी, मतलब मेरी हाफ सैलरी या तो पूरी रख। फिर उसको थोड़ी सी अवेयरनेस हुई, उसका जो कलीग था वहीं पे उनके जो ऑफिस में बैठे हुए थे, उसने बोला कि हाँ भाई मतलब ये शायद ऐसा लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो उस चीज़ के लिए कर रहा है। तो वीडियो में कोई ऐसी ऐसी स्टेटमेंट मत देना, कुछ भी मत बोलना कि मतलब ना जो अपने लिए वो गलत हो जाए। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट किया जो यहीं पर गुड़गांव में है, उसने मुझे बताया कि भाई ये तो धंधा बना रखा है इन्होंने, मोस्टली जितने भी ऑफिसेज हैं सब फेक हैं, फ्रॉड हैं, मतलब बंदे हैं ऐसे जो मतलब बिल्कुल फ्रॉड से होते हैं और वो वेल बिहेव करते हैं आपसे, मतलब कोट सूट डाल के बैठे हुए हैं और आपको लगेगा कि प्रोफेशनल है भाई, ये जॉब दिला सकते हैं, इनके लिंक होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे। वहाँ मैंने देखे वो तो ऐसे, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स में जैसे मोबाइल की शॉप होती है ना बहुत सारी, वैसे बना रखी है कि हाँ भाई हमारे पास ये डिस्काउंट है, हमारे पास स्क्रीन गार्ड इतने का है, हमारे पास बैक कवर इतने का है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, बट वो सारे फेक हैं। तो बस यही चीज़ थी, मेरा कुछ ऐसा मैटर हुआ नहीं ना, मैंने कोई उसे एडवांस पेमेंट करी थी। बट मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप भी ऐसे ही हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, तो थोड़ा वेट कीजिए, बट ऐसे किसी फेक बंदों के कांटेक्ट में आके मत फंसिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी पैसे कमाने के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं और आपके पैसे ही जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बस यही, यहीं तक की थी ये स्टोरी, ये 2-3 दिन था, मतलब ऐसा था, सोचा था एक गुड न्यूज़ मिलेगी क्योंकि पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही थी, यूँ लग रहा था कि हाँ यार खुद से खोला है। बट ये नहीं पता था कि हाँ ये फेक स्कैम भी होते हैं, मतलब मुझे ये पता था OLX पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, OLX पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से, आपके फास्टैग से, ये बहुत लोग एक्टिव हैं, बहुत सब चीज़ें कर रहे हैं। बट मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ में भी जॉब के लिए भी लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं। अब ये नहीं पता था मेरे को, मतलब मैं किस तरीके से आपसे बातें करूंगा, क्या बताऊंगा, सोचा था एक गुड न्यूज़ लेके आऊँगा तो वो सारी चीज़ें दब जाएंगी कि मैं 2-3 दिन कहाँ था। तो ये होगा कि हाँ भाई 2-3 दिन के लिए गायब था, लेकिन कुछ अच्छा करके आया है, एक गुड न्यूज़ दी है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, शेयर करी है, बट नहीं हुआ। देखते हैं, लेट्स सी कि हाँ, अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया था, मैंने वो रीड किया, उसमें बोला था कि डोंट वरी अंकुर भाई, मेरी कोई बहन ही है, अरे आपका बहुत प्यार मिल रहा है और सीरियसली मैं बिल्कुल आपको वैसे ही मिस कर रहा हूँ जैसे आप मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हो। और सेकंड थिंग के ना, शायद मैं हो सकता था इन 2-3 दिन में ना छोटा मोटा कोई व्लॉग डाल भी देता, बट जहाँ मेरे को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि आपको ना जब भी व्लॉग डालूँ वो कुछ एंटरटेनिंग हो या एक नॉलेज वाला हो, मतलब आपको कुछ सीखने को मिले या एटलीस्ट आप एंटरटेन तो हों उस चीज़ से। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके आऊँगा। अब मैंने क्या है, ये भी सिर्फ आपसे व्लॉग नहीं है, सिर्फ आपसे बात
करने आने के लिए सब किया है, मुझे लाइव आना नहीं आता, अदरवाइज मैं आपसे लाइव आके बातें करता बहुत सारी। और बहुत सारी फैमिली है जिनको मैं नाम से भी जानता हूँ और बहुत मिस भी कर रहा था उनके कमेंट्स को, क्योंकि क्या होता है मैं डेली की एक ही वीडियो दिन में डालूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है एक वीडियो डालता हूँ उसके बाद मैंने जो एप्लीकेशन है उसको परचेज़ किया है ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स मिल सकें। और मतलब एडिटिंग में मुझे ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली, कि मतलब आप पहले ऑडियो को पूरा फिल्टर करके देखते हो, फिर वीडियो को फिल्टर करके देखते हो, फिर उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट, फिर उसमें स्पीड होती है, मूवमेंट होती है, सब कुछ, मतलब बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उसके बाद जब वो अपलोड करने में, चलो अब तो वाईफाई है जल्दी हो जाता है, बट मुझे 2-3 घंटे अपलोड करने में भी लगते थे। मतलब बस अभी थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा इसी चीज़ में फोकस कर रहा हूँ, जॉब का नहीं है जब तक, तब तक इस काम को बना लेता हूँ। क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी कि हाँ मतलब इस ये भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो अगर मैं इसी में अपना 100% देता हूँ जब तक जॉब नहीं मिल रही है, और आपका प्यार जितना मिल रहा है जिस हिसाब से, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में। ठीक है गाइस, इसको इस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, बस बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए इसलिए आ गया था। अगर इसी फील्ड में है, अगर थोड़ा टाइम और करना भी पड़े, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, मैंने मतलब बहुत गैजेट्स खरीदे हैं इस महीने, मतलब बहुत चीज़ें हैं गाड़ी के लिए भी, और कई चीज़ें ली हैं ताकि इम्प्रूव कर सकूँ और डे बाई डे बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और आज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें जरूर बताना कैसे हैं, बहुत दिन हो गए बात किए हुए, कॉन्टैक्ट सा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब निकलता हूँ ये अपलोड करके, और फिर आपके लिए कल अपलोड करूँगा बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत अच्छा सा, जो जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा अब नेक्स्ट। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।